Hey students, today we will read topic leaf. Leaves are usually green colored structures attached to the stem. Leaf जो होती हैं ज़्यादातर आपने देखा होगा students green color के ही होते हैं. ये इस type का structure होते हैं और ये stem से attached रहते हैं. The leaf absorbs maximum sunlight due to its flat surface. Maximum यानी सबसे ज़्यादा sunlight कब absorb करते हैं? अपनी flat surface से, यानी ये जो surface दिख रही है ऊपर वाली, सबसे ज़्यादा सनलाइट इसी से अब्जॉर्ब करते हैं. यहाँ पर आपको लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. लीफ के जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर का फ्लैट सरफेस जिसे हमने कहा, ये आपका कहलाता है लीफ ब्लेड. द फ्लैट सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, यानी कि ये जो फ्लैट सरफेस है ये लीफ ब्लेड भी कहलाता है. और सेकेंड जो इसका पार्ट होता है, ये देखा होगा आपने, इस टाइप से लाइन होती हैं, लाइन्स होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेन्स. द वेसल्स विच कैरी वाटर टू लीफ आर कॉल्ड वेन्स. इन वेन्स का वर्क ये होता है कि ये वाटर को पहुँचाने का काम करते हैं लीफ में. ये वेन्स होते हैं, ये जो लाइन्स ये दिखाई दे रही हैं. नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ लीफ. ग्रीन लीव्स हेल्प द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स फूड. जो ग्रीन लीव्स हरी पत्तियाँ होती हैं वो हेल्प करती हैं प्लांट को प्रिपेयर फूड, यानी फूड बनाने में हेल्प करती हैं. लीव्स कंटेन स्टोमेटा. लीव्स में स्टोमेटा होते हैं. इट हेल्प्स द लीव्स टू ब्रीथ. ये स्टोमेटा जो होते हैं ये लीव्स को ब्रीथ यानी सांस लेने में हेल्प करते हैं. सम लीव्स बिकम थिक एंड फ्लैशी. कुछ लीव्स जो होती हैं, पत्तियाँ थिक होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं और फ्लैशी मांसल टाइप की होती हैं. एंड स्टोर फूड, जो कि इस फूड भी स्टोर करने का वर्क करती हैं. सच लीव्स कैन बी यूज फॉर ईटिंग. और इस टाइप की लीव्स जो है वो ईटिंग यानी खाने के काम लाई जाती हैं. सो स्टूडेंट्स, आज आपने लीव के बारे में पढ़ा. हमने आपको लीव का स्ट्रक्चर बताया है और फंक्शन बताए हैं. ये आप रिवाइज कर लेंगे और स्ट्रक्चर को भी लर्न करेंगे रफ कॉपी में ड्रॉ करके. आगे के चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू.